धोखे से पाइप पूरा गुलाबी गुलाबी हो गया, कलर वाला हो गया है पूरा यहाँ से वहाँ तक पानी। हेलो दोस्तों, स्वागत आपका एक और नए ब्लॉग में। और ये हमने ले लिया गैलन क्योंकि इसमें जा रहे हैं डीजल लेने, क्योंकि आज पंपसेट मशीन से खाली खेत की सिंचाई करनी है। धान का बिया गिराने के लिए पहले खेत बनाना पड़ता है, गीला करना पड़ता है, तभी चलते हैं डीजल लेके आते हैं, फिर मशीन के पास जाएंगे। और मशीन आज उस पर एक अलग एक्सपेरिमेंट करेंगे, मशीन पे देखते हैं कैसे क्या होता है। आप बने रहिए ब्लॉग में, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब। करना होता है क्योंकि काफ़ी धूप हो रहा है तो एकदम गर्म हो गया ज़मीन, तो इसको ठंडा करके फिर ट्रैक्टर से इसको जुताई करवा देंगे, उसके बाद फिर इसमें बीज डालेंगे धान का। देखिए अरविंद पाइप पकड़ के बैठा है और मशीन अपनी वहाँ पे चल रही है। देखिए वहाँ से हमने पाइप कैसे अटैच किया है, वहाँ से पानी यहाँ पर आ रहा है। देखिए ज़्यादा दूर नहीं है, 100 फीट दूर होगा मशीन यहाँ से। पाइप को उठा के उधर कर दो उस वाले क्यारी में, तो थोड़ा सा पानी उसमें जाए, ये तो भर गया है। हाँ हाँ बस बस हो गया हो गया। देखो पानी अब इसमें जाने लगा, ये हमने थोड़ा थोड़ा मेड़ी बना के रखा है कि ताकि पानी इधर उधर आराम से सिंचाई कर सके। और अरविंद बोल रहा है इसी में नहाने के लिए, कोई बात नहीं, आराम से नहा सकते हैं, पानी पी सकते हैं, एकदम शुद्ध पानी आता है। प्यास तो लग गई है, मैं भी पानी पी लेता हूँ इसी में से। देखिए दोस्तों कैसे
से पाइप पूरा गुलाबी गुलाबी हो गया है, कलर वाला हो गया है, पूरा यहाँ से वहाँ तक पानी एकदम कलर वाला हो गया है, उसमें भी गुलाबी पानी आ रहा है। इतना मस्त लग रहा है पानी गुलाबी गुलाबी कलर का, और वहाँ भी निकल रहा है, और यहाँ भी देखिए पूरा कैसे गुलाबी पानी आ गया कलर वाला, कितना मस्त लग रहा है देखने में। सादा पानी हमेशा आता था मशीन में से, और हमने इसमें थोड़ा सा सामान डाल दिया, कलर डाल दिया, तो कितना मस्त पानी आ रहा है गुलाबी कलर का, देखने में कितना प्यारा लग रहा है। लेकिन ये फिर भी पीने लायक नहीं पानी रह जाता है इसमें कलर डाल देने से, और दिक्कत नहीं होगी, वो तो थोड़ा सा कलर इसमें से निकल जाएगा क्योंकि पानी हमको ज़्यादा निकालना है वहाँ से। तो देखो सादा फिर से पानी होने लगा, हल्का हल्का कलर बचा है, ये तो 10 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। 10 मिनट तो बहुत ज़्यादा है, 5 मिनट में भी पूरा पानी साफ हो जाएगा। तो दोस्तों हमने पेड़ी बांधने के लिए ताकि पानी इधर उधर ना जाए, जहाँ पानी की सिंचाई करना है खाली सिंचाई हो। देखिए इस वाले कियारी में पूरा पानी हो गया है, अब उस वाले कियारी में पानी डालना है, तो पानी तो ऐसे भर के अपने आप ही चला जाएगा ऊपर से। देखिए यहाँ से जा भी रहा है यहाँ से पानी, तो पहले हम इसको कर देते हैं बंद यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पानी बिना मतलब का जा रहा था। देखिए इतना पानी आया है, तो ज़्यादा मिट्टी गीला नहीं हुआ है, खाली तकरीबन 2-3 इंच अंदर तक ही गीला हुआ है, बाकी नीचे का ऐसे ही पानी ऐसे ही सूखा है ज़मीन। देखो ज़्यादा देर तक पानी रहेगा तो ज़्यादा देर तक अंदर पानी जाएगा नीचे। तो दोस्तों देखिए ये वाला हम जो खेत की सिंचाई कर रहे हैं वो खेत ऊपर है और बगल वाला खेत नीचे है, तो दिक्कत इसमें होती है कि जब मूस इसमें बीएल बना देते हैं, छेद कर देते हैं, तो इसमें का पानी इधर चला जाता है, जो खेत नीचे रहता है पानी सब उसी में चला जाता है। देखिए उधर का पानी सब नीचे बिल से होते हुए इधर आ रहा है, देखिए यहाँ से पानी आ रहा है। और मुश्किल ये भी होता है कि जल्दी मिलता नहीं है बिल, पता नहीं कहाँ से पानी आता है, जल्दी मिलता नहीं है, तो इसमें दिक्कतें होती है। देखिए यहाँ से भी निकल रहा है पानी, देखिए यहाँ से भी निकल रहा है, इन्होंने तो एक बिल को ढूंढ लिया, बंद कर रहे हैं, फिर भी पानी बंद नहीं हो रहा है, और यहाँ पर भी पानी देखो कैसे निकल रहा है भाई, बहुत मुश्किल होती है जब खेत के बगल वाला खेत खाली रहता है, नीचे रहता है। तो चलिए अभी इसको हम ढूंढ ढूंढ के बंद करते हैं। तो देखिए अरविंद बिल को ढूंढ रहा है, उससे मिलेगा भी नहीं, ऐसे मिलेगा, रुक मैं इधर से लात मारता हूँ तो उधर पानी रुकेगा, देख अरे जला, इधर तो ज़्यादा पानी निकलने लगा यार, अरे भाई साहब सबसे ज़्यादा पूरा पानी तो इसमें आ जाएगा, देखिए इसमें ज़्यादा पानी आ गया है, इसको लात मार के बंद करना पड़ेगा ऐसे। तो भाई इतना ज़्यादा बिल था, चूहा लोग ने इतना ज़्यादा बिल बना दिया था कि बंद करते करते कम से कम एक घंटा से बंद कर रहा हूँ, 4-5 बिल उसने बनाया था, उसको ढूंढ ढूंढ के पानी के अंदर ढूंढ के उसको बंद किया जाके, फिर भी इतना पानी चला गया नीचे। दोस्तों देखो ये सब बच्चा पार्टी अब जा रहा है इसी में नहाने, यहाँ पे ही नहाएंगे सब, देखो सब ने कपड़ा निकाल के रेडी हो गया सब लोग, इधर आ जाओ, किधर जा रहा है, कपड़ा धर ले उधर ही रख दे, आ जा अब इसमें नहाएंगे सब। ये 6 पैक दिखा रहा है, देखो दिखा रहे कितना पैक निकला है, 6 पैक निकला है कि कौन पैक निकला है, देखा डल्ला पैक निकला है। और देखो अरविंद ने क्या पकड़ा है, पकड़ लिया। तितली को पकड़ लिया है, छोड़ दे उसको उड़ जाने दे, उड़ गया। तो दोस्तों देखो हमने कितना मस्त नहा के एकदम मस्ती किया कम से कम आधे घंटे, उन दोनों ने तो कपड़ा पहन लिया और अभी भी पानी पर पड़ा है, और सिंचाई भी लगभग हो गया है, और मैं भी काफ़ी मस्ती किया, नहा भी लिया, अभी फिर से घर पे जाके अच्छे से नहाएंगे, यहाँ पर तो हमने मस्ती किया खेत में, अच्छे से नहीं नहाया, खाली पानी से नहाया, और सिंचाई भी लगभग हो चुका है, थोड़ा ही बाकी है, वहाँ पे थोड़ा सा बाकी है। देखिए ये थोड़ा ऊँचा पड़ता है इसलिए अभी पानी यहाँ पे नहीं आया है, तो अभी आ जाएगा पानी धीरे धीरे यहाँ तक भी। तो चलते हैं मशीन को बंद कर देते हैं क्योंकि सिंचाई हो गई है पूरी, तो मशीन को बंद कर देते हैं चल के जल्दी से। तो प्लास्टिक पाइप को इसमें से निकाल देते हैं, फिर इसको इकट्ठा करके घर लेके चले जाएंगे।